अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो आयन की फॉर्म में नहीं चेंज होते उनके रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है कि वो ट्रांजिशन स्टेट में से गुजरते हैं और उनमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग और फॉर्मेशन होती है। तो आज हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस जो होते हैं वो हीट और फोटोकेमिकल दोनों की मौजूदगी में टेक प्लेस होते हैं और इनमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी फॉर्मेशन और ब्रेकिंग होती है और जो पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड होता है उसकी शिफ्टिंग होती है। तो इसका सबसे पहला स्टेप है इन बोथ कंडीशंस हीट एंड फोटोकेमिकल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आर टेक प्लेस। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस है जो वो हीट और फोटोकेमिकल दोनों की मौजूदगी में टेक प्लेस होते हैं। और उसके बाद है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड अक्रॉस कॉन्जुगेटेड पोलीन। तो पोलीन का मतलब है कि अल्कीन, उनमें पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उनमें डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो इसमें कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि डबल बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद दोबारा डबल बॉन्ड आ जाता है, पाई बॉन्ड आ जाता है। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास सब्सट्रेट है, रिएक्टेंट है और ये रिएक्शन हीट और फोटोकेमिकल दोनों की मौजूदगी में टेक प्लेस होता है। और इसके आगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की दो टाइप्स हैं, रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग। तो सबसे पहले है रिंग क्लोजिंग। तो मतलब कि इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें रिंग ओपन हो जाती है और कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें रिंग क्लोज हो जाती है, उसमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और जो रिंग ओपनिंग है उसमें सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। तो अब हम रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की पहली टाइप है रिंग क्लोजिंग। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के जो रिएक्टेंट होते हैं ना, उनमें पोलीन, जब तक पोलीन प्रेजेंट नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो टेक प्लेस नहीं होगा। पोलीन मतलब उसमें अल्कीन प्रेजेंट होंगे, उनमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो जब तक पोलीन अल्कीन या पाई इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में मौजूद नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस टेक प्लेस नहीं हो सकता। तो इसका पहला स्टेप है पोलीन आर प्रेजेंट इन सब्सट्रेट, सब्सट्रेट मीन रिएक्टेंट। तो पोलीन अल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन का सब्सट्रेट के अंदर मौजूद होना इंपॉर्टेंट है। जब तक अल्कीन मौजूद नहीं होंगे रिएक्टेंट में तब तक रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। तो उसके बाद इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आर पॉसिबल। तो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पोलीन प्रेजेंट होंगे, तो फिर ही ये जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस है टेक प्लेस होगा। तो उसके बाद तो हमारे पास एग्जांपल है रिंग क्लोजिंग की, ब्यूटेन है। तो ये देखें, इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। मैंने बताया कि इसमें पाई बॉन्ड की जो है वो शिफ्टिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग और फॉर्मेशन होगी। तो इधर ये देखिए डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा इधर सिग्मा बॉन्ड के साथ। तो इधर पाई बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर डबल बॉन्ड था, इधर से पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और इधर बॉन्ड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये देखें, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया और ये डबल बॉन्ड था, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, इधर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। और ये रिएक्शन हीट और फोटोकेमिकल दोनों की मौजूदगी में टेक प्लेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी, इसमें तीन डबल बॉन्ड है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, तीन डबल बॉन्ड है और तीन ही पाई बॉन्ड इसमें मौजूद हैं। तो ये देखें, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड था, इधर डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद इधर डबल बॉन्ड है, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर सिंगल बॉन्ड, और इधर डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और इधर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन और ब्रेकिंग होगी और पाई बॉन्ड की, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। तो ये था हमारे पास रिंग क्लोजिंग। और इसके बाद हम पढ़ते हैं रिंग ओपनिंग के बारे में। तो उसके बाद इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की सेकेंड टाइप है रिंग ओपनिंग। तो उसकी हमारे पास एग्जाम्पल है रिंग ओपनिंग की। तो पहली एग्जाम्पल है ब्यूटेन की। तो ये देखें, इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड मौजूद है। तो इसमें पाई बॉन्ड की मूवमेंट होती है और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन
और ब्रेकिंग होती है। ये देखिए इधर हमारे पास सिग्मा बार मौजूद था, तो ये बार इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर से सिग्मा बार ब्रेक हो जाएगा और इधर पाई बार में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पाई बार आगे शिफ्ट हो जाएगा। इधर से ये बार इधर शिफ्ट हुआ और ये डबल बॉन्ड आ गया, ये इधर डबल बॉन्ड था, ये आगे शिफ्ट हो गया, इधर सिंगल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड आ गया। और उसके बाद ये हीट और फोटोकेमिकल दोनों की मौजूदगी में टेक प्लेस होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, ये देखिए हमारे पास सिग्मा बॉन्ड इधर से ब्रेक होकर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड था इधर डबल बॉन्ड आ गया, और इधर डबल बॉन्ड था इधर से एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया और इधर डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद इधर डबल बॉन्ड है और इधर से एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, और इधर सिंगल था इधर डबल बॉन्ड आ गया और इधर से बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो इसमें बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है और पाई बॉन्ड की मूवमेंट हुई है। तो ये था हमारे पास रिंग ओपनिंग। तो इसके बाद हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमें सबसे पहले कॉनरोटेटरी और डिसरोटेटरी रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉनरोटेटरी है तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल, तो इसका मतलब है कि पी ऑर्बिटल की जो मूवमेंट होती है, रोटेशन होती है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, तो उसे हम बोलेंगे कॉनरोटेटरी। तो अगर पी ऑर्बिटल की मूवमेंट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो उसे हम बोलेंगे डिसरोटेटरी रोटेशन। तो उसके बाद हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को एग्जाम्पल्स के साथ। तो अब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की। तो सबसे पहले हमें इस टेबल को याद रखना होगा, ये दोनों टेबल्स को। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे रिएक्टेंट में चार पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मतलब दो पोलीन मौजूद है, दो एल्कीन प्रेजेंट है, तो अगर एक एल्कीन प्रेजेंट है तो दो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर दो एल्कीन प्रेजेंट है तो चार पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर रिएक्टेंट के अंदर चार पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और रिएक्शन हीट की मौजूदगी में हो रहे हैं तो उसकी रोटेशन क्या होगी, कॉनरोटेटरी होगी। और अगर फोटोकेमिकल की मौजूदगी में हो रहा है तो डिसरोटेटरी उसकी रोटेशन होगी। तो अगर उस रिएक्टेंट के अंदर छः पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, छः पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब तीन पोलीन तीन एल्कीन प्रेजेंट है, तो उसमें छः पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे रिएक्टेंट के अंदर। और अगर रिएक्शन हीट की मौजूदगी में हो रहा है और इलेक्ट्रॉन छः पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो उसकी रोटेशन क्या होगी, डिसरोटेटरी होगी। और अगर रिएक्शन फोटोकेमिकल की मौजूदगी में हो रहा है तो उसकी रोटेशन क्या होगी, कॉनरोटेटरी होगी। और उसके बाद है कि अगर ये हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी, तो ये देखें इसमें सबसे पहले हमने देखें इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, चार होंगे। तो चार पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके बाद हमने देखना है कि रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है, हीट की मौजूदगी में हो रहा है या फोटोकेमिकल की मौजूदगी में हो रहा है। तो रिएक्शन हीट की मौजूदगी में हो रहा है। तो अब हमने देखना है टेबल के अंदर देखना है कि चार पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है रिएक्टेंट के अंदर और रिएक्शन हीट की मौजूदगी में हो रहा है, तो उसकी रोटेशन क्या होगी, कॉनरोटेटरी होगी। तो अब देखें हमारे पास दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड था इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद ये डबल बॉन्ड है, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड आ गया, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है और इसे हम रिंग क्लोजिंग भी बोलते हैं। तो उसके बाद हमने उनके जो ग्रुप अटैच है इसके साथ उनको देखना है कि उनकी स्मृति क्या है। तो इधर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और इधर हाइड्रोजन, ये अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है दोनों, तो इनकी सिमेट्री क्या होगी, ट्रांस होगी। और इधर भी मिथाइल और हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे मौजूद हैं तो इनकी सिमेट्री भी ट्रांस होगी। और अगर इनकी दोनों की सिमेट्री ट्रांस होगी तो ओवरऑल सीज हो जाएगी, ये देखें ट्रांस है और ये भी ट्रांस है तो ओवरऑल सीज हो जाएगा। तो अगर इधर सीज होती और इधर भी सीज होती तो फिर क्या हो जानी थी, ट्रांस हो जानी थी। और अगर एक साइड पे सीज है सिमेट्री और दूसरी साइड पे ट्रांस है तो फिर ट्रांस ही रहनी थी। तो इधर ट्रांस सिमेट्री है और इधर भी ट्रांस है तो ओवरऑल सीज हो जाएगी। और अगर एक बात आपने याद रखनी है कि अगर रिएक्शन हीट की मौजूदगी में हो रहा है और उसकी ओवरऑल सिमेट्री क्या है, सीज, ये ट्रांस है, तो अगर रिएक्शन हीट की मौजूदगी में हो रहा है और उसकी रोटेशन कॉनरोटेटरी है या डिसरोटेटरी है तो उसकी जो सिमेट्री होगी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। अगर रिएक्टेंट के अंदर ओवरऑल सीज है तो प्रोडक्ट में ट्रांस हो जाएगी, और अगर रिएक्टेंट के अंदर ट्रांस है तो
तो प्रोडक्ट में सीज हो जाएगी। तो इधर हमारे पास ओवरऑल इसकी स्मिटी क्या थी, सीज है। और रिएक्शन भी इतनी जल्दी में हो रहा है तो इसकी स्मिटी ओवरऑल क्या प्रोडक्ट में क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर इधर सीज है तो इधर ट्रांस हो जाएगी। तो ये देखिए प्रोडक्ट के अंदर इसकी स्मिटी क्या है, ट्रांस है। तो उसके बाद हम रिएक्शन को एक ऐसे रिएक्शन की एग्जाम्पल लेते हैं जो फोटोकेमिकल की मौजूदगी में हो रहा है। तो अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की जो फोटोकेमिकल की मौजूदगी में हो रहा है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है इसकी। ये देखिए मिथाइल ग्रुप इधर और इधर ऑपोजिट साइड में, मतलब कि इधर हाइड्रोजन एक में। तो सबसे पहले हमने देखने कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। तो दो डबल बॉन्ड है और चार पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। चार पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके बाद हमने देखना है कि रिएक्शन हीट की मौजूदगी में हो रहा है या फोटोकेमिकल की मौजूदगी में हो रहा है। तो इधर रिएक्शन फोटोकेमिकल की मौजूदगी में हो रहा है। तो चार पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है और रिएक्शन फोटोकेमिकल की मौजूदगी में हो रहा है, तो उसकी रोटेशन क्या होगी, डिसरोटेटरी होगी। तो उसके बाद हमने ये देखें हमारे पास मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इधर मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे है तो इनकी स्मिटी क्या होगी, ट्रांस होगी। और इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड पे है तो इधर स्मिटी क्या होगी, सीज होगी। तो सीज और ट्रांस ओवरऑल क्या होगा, ट्रांस होगा। सीज और ट्रांस क्या हो गया, ओवरऑल ट्रांस हो गया। तो मैंने बताया कि अगर फोटोकेमिकल की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है तो उसकी रोटेशन, उसकी जो होगी स्मिटी होगी, वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होगी। अगर हीट की मौजूदगी में अगर रिएक्शन हो रहा है तो फिर उसकी जो स्मिटी है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगी। तो इधर हमारे पास ओवरऑल स्मिटी क्या, ट्रांस है, तो प्रोडक्ट के अंदर भी ट्रांस ही रहेगी। तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड था, ये आगे शिफ्ट हो गया, इधर सिंगल था, इधर डबल बॉन्ड आ गया। और इधर डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया और इधर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गया है। तो ये हमारे पास रिंग क्लोजिंग आ गई है। तो अगर डिसरोटेटरी है, फोटोकेमिकल की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, तो फिर उसकी जो सिमेट्री है वो प्रोडक्ट के अंदर सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। और अगर हमारे पास इधर हम काट देते हैं हीट, और मिथाइल ग्रुप को हम ऐसे ही अटैच रहने देते हैं, तो इधर हमारे पास मिथाइल ग्रुप और ये देखें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं, तो स्मिटी क्या है, इधर सीज है। तो और इधर मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे, तो इसकी स्मिटी क्या है, ट्रांस है। तो ओवरऑल सीज और ट्रांस ओवरऑल क्या है, ट्रांस हो जाएगा। हमारे पास इसकी ओवरऑल स्मिटी ट्रांस हो गई। और अब हमने देख लें कि चार पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट थे और रिएक्शन हीट की मौजूदगी में हो रहा है, तो इसकी रोटेशन क्या है, कॉन्रोटेटरी। तो ये इधर कॉन्रोटेटरी आ जाएगा, फोर पाई हीट कौन हो जाएगा। तो कॉन्रोटेटरी इसकी रोटेशन आ गई। तो प्रोडक्ट के अंदर अगर हीट की मौजूदगी में रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है तो उसकी प्रोडक्ट के अंदर स्मिटी है वो चेंज हो जाएगी, इधर ट्रांस था, इधर सीज आ जाएगी। ये देखें प्रोडक्ट के अंदर इसकी स्मिटी क्या है, चेंज हो गई है प्रोडक्ट के अंदर। अगर इधर फोटोकेमिकल की मौजूदगी में होता तो इधर ट्रांस है, तो इधर भी ट्रांस ही रहना था। उसके बाद हम एक और एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। सबसे पहले हमने देख लें कि इसके अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं, कितने पॉलीइन प्रेजेंट है। इसमें कितने डबल बॉन्ड है, एक दो और तीन। इसके अंदर तीन डबल बॉन्ड है तो तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 6। तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और रिएक्शन हीट की मौजूदगी में टेक प्लेस हो रहा है। तो अब हमने देखना है कि रिएक्शन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और रिएक्शन हीट की मौजूदगी में टेक प्लेस हो रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और हीट की मौजूदगी में टेक प्लेस हो रहा है, तो उसकी रोटेशन क्या होगी, डिसरोटेटरी उसकी रोटेशन होगी। और उसके बाद हमने मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट देखनी है। तो ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे है, तो इसकी सिमेट्री क्या होगी, ट्रांस होगी। और इधर भी मिथाइल और हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है, तो इसकी सिमेट्री क्या होगी, ट्रांस होगी। और ट्रांस और ट्रांस ओवरऑल क्या होगा, सीज हो जाएगी। इसकी सिमेट्री ओवरऑल सीज हो गई है। और अब हमने देखना है कि रिएक्शन अगर
हीट की जो रिएक्शन अगर डिसरोटेटरी रोटेशन शो कर रहा है तो उसकी सिमेट्री है जो प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। अगर वो उसके रिएक्टेंट के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन चार भी प्रेजेंट है और उसकी रोटेशन क्या है डिसरोटेटरी है, चाहे वो रिएक्शन फोटोकेमिकल की मौजूदगी में हो रहा है या हीट की मौजूदगी में हो रहा है, तो अगर उसकी रोटेशन डिसरोटेटरी होगी तो प्रोडक्ट के अंदर उसकी सिमेट्री है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इधर ओवरऑल इसकी सिमेट्री क्या थी, सीज थी, और ये डिसरोटेटरी रोटेशन शो कर रहा है और इसकी सिमेट्री क्या होगी, चेंज नहीं होगी प्रोडक्ट के अंदर, तो ये सीज आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड था इधर, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर सिंगल और इधर फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और इधर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। और अगर हम रिएक्शन करवाते हैं फोटोकेमिकल की मौजूदगी में, अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं फोटोकेमिकल की मौजूदगी में और इसके अंदर हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और फोटोकेमिकल की मौजूदगी में रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, तो उसकी रोटेशन क्या होगी, कॉनरोटेटरी होगी। और अगर रोटेशन कॉनरोटेटरी है तो प्रोडक्ट के अंदर सिमेट्री उसकी चेंज हो जाएगी, अगर रिएक्टेंट के अंदर सीज है तो प्रोडक्ट के अंदर ट्रांस हो जाएगी, अगर ट्रांस है तो सीज हो जाएगी। तो इधर हमारे पास ओवरऑल इसकी सिमेट्री क्या है, सीज है, तो रिएक्शन हीट फोटोकेमिकल की मौजूदगी में हो रहा है तो इसकी रोटेशन क्या थी, कॉनरोटेटरी है।